इनको धीरे धीरे आदत जब बना देंगे तो आपकी बस्ती का एक बच्चा पढ़ के आएगा तो दूसरा बच्चा भी उसको बताएगा स्कूल में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो तीसरा भी पढ़ेगा। इसमें इतना जो बच्चे बैठे हैं कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, सब तो ही लोगों के लड़के लेकर हम को ले जाना, क्यों जानी ना भेजो तो हंसत हो का लियो अपन आधा जीवन भट्टा पर भी जहाँ जाते हुआ वहाँ के स्कूल में बता था कि हमारा लड़का यहाँ पढ़त रहा प्रतापपुर में चाहे भदरपुरा में, वहाँ का मास्टर तोरे बच्चा के एडमिशन ना ले, लेकिन यही आधार कार्ड पर तोरे बच्चा को वहाँ स्कूल में पढ़ाई, ये सरकार का नियम है। तो जैसे कि पहले राशन तोरे राशनदार के मिलत रहा खाली दुकान पर ना, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में भारत में कहीं रहा है अपने अंगूठा से राशन मिल जाए, मिला था ना पंजाब में चाहे कहीं जा तो कमाएगा। तो ऐसे ही लड़कन के पढ़े में सरकार जुगाड़ बन ले कि जब तुमके खाए को जुगाड़ देते हैं तो लड़कन के पढ़े को भी जुगाड़ देते, लड़कन का स्कूल में नाम रजिस्ट्रेशन में रही तो तुमको वहाँ पढ़े का मौका मिली। ये कुल तू लोगों की जिम्मेदारी है, जैसे खाए पिए का सारी व्यवस्था है, ऐसे छोटे छोटे बच्चन के पढ़े भेजा, सबसे जरूरी है पढ़ना आज के जीवन में, बाकी सबका जीवन तो समान है। चाचा इधर आ जाओ, तुम लोगों का उधर हुआ, अरे ग्राम प्रतापपुर का तुम लोग नागरिक हुआ, तोरे ग्राम सभा में कार्यक्रम आयोजित करल जा था जागरूकता को देखे, आज 26 जनवरी है जौने के उपलक्ष में गणतंत्र दिवस मनावल जाला। गणतंत्र दिवस काहे बदे के मनावल जाला ये बात का जानकारी होए के चाहिए। ठीक है, गणतंत्र दिवस ऐसे मनावल जाला जब अपन स्वतंत्र हो गए अंग्रेजन से तब गणतंत्रता मनावल जाला, ताकि 15 अगस्त 1947 के जब देश आजाद है 26 जनवरी 1950 के उनका संविधान बनल, संविधान के हिसाब से सबके जीवे का आधार बनाल गल, सबके समाज में एक सम्मान प्राप्त भल, वही का प्रतीक हम उनका राष्ट्रध्वज है। एक का नाम है बच्ची को बताइए, बताओ चो स्कूल भेजते है कि नहीं आप लोग अपने बच्चों को, ध्वज है बेटा, इसमें तीन रंग है इसलिए हम लोग इसको तिरंगा के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हमारे देश का जो है ध्वज है, राष्ट्र का ध्वज है, ठीक है ना। एक हाथ ऊपर किया जाता है। अच्छा आज क्या है? 26 जनवरी। अच्छा और कोई बताना चाहेगा कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, वो हाथ ऊपर करें जिसको पता है। इधर भी पूछ लीजिए आज क्या है, छोटे बच्चे हाथ खड़ा किए हैं, आज क्या है बाबू? उधर पूछिए, उधर उधर, हाँ उधर पूछिए, आज क्या है? इधर ढेला में ढेला नहीं मारना। इधर 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 आज क्या है? वेरी गुड। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है बता सकते हैं? बताएगा 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है आपको? आजी 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 आप लोग भी आजी 26 जनवरी के बारे में बताएंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे मैनेजिंग सर हैं, वो आप लोगों को बिल्कुल भली भांति विधिवत तरीके से 26 जनवरी के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? ये देखिए हमारे मैनेजिंग सर हैं, अपनी बातों को रखिए। हेलो, देखिए आज तो आप लोग जो उपस्थित किए गए हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी हो गया था, उसके बाद आज़ादी के कुछ सालों के बाद फिर हमारे देश में 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र लागू हुआ था और हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे। तो इसी के उपलक्ष्य में हम उस समय से लेकर आज तक और जीवन पर्यंत तक जब तक देश रहेगा तब तक राष्ट्र के त्यौहार के रूप में इसे हम मनाते रह रहे हैं। 26 जनवरी के विषय में हमारे विकास सर अपनी बातों को रखेंगे दो लाइनों में। जिस प्रकार आप सभी लोग जो त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं जैसे आप लोग होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, तो ये हमारा धार्मिक त्यौहार होता है, लेकिन जो आज का त्यौहार है ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में जाना जाता है। इसके लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं है, ये हम सबका त्यौहार है।
तो सबसे पहले कि आप लोग तो अपने आजीविका में जो यहाँ पर अभिभावक मौजूद है लगे हुए हैं, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजिए ताकि ये चीज़ों को सीख सके। जैसे छोटे छोटे बच्चों को सरकार 3 साल के बाद के बच्चों को स्कूल बुला रही है आंगनबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से, उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाने योग्य हैं, आप पता नहीं स्कूल जाती हैं कि नहीं जाती हैं, हम इनसे पूछेंगे। लेकिन आप लोग छोटे बच्चों को, बहुत ज़रूरत है कि छोटे बच्चों को स्कूल भेजिए। उनके लिए आंगनबाड़ी का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें पूरी की पूरी व्यवस्थाएँ अवेलेबल है, सिर्फ आपको अपने बच्चे को स्कूल तक पहुँचाना है, चाहे आंगनबाड़ी कार्यक्रम तक पहुंचाना है। इससे क्या है कि बच्चों में जो है ना थोड़ी सी अगर शिक्षा आ जाएगी तो आपका जो है कल्याण होता जाएगा धीरे धीरे, एक ही बार में नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। आप पढ़ने जाती हैं? नहीं, क्यों नहीं जाती हैं? बताइए सब लोग गाने क्यों नहीं जाते हैं? नाम नहीं लिखाया स्कूल में। नाम लिखा तो जाबू। हाँ चलो ठीक है, नाम लिख लिया। पापा का नाम है इतना बढ़िया पूछा तो पूछा था उनके, अच्छा काम है, इतना बड़ा बड़ा लड़की लड़का वहाँ भेजा स्कूल ताकि कुछ पढ़ा लिखा। आप लोग जाती हैं पढ़ने? नहीं, आप लोग भी नहीं जाते हैं? कौन सी क्लास में है सर? पढ़ाई का महत्व देखते हैं, बनारस जाते हैं, इधर आए हैं अभी तक। अच्छा, मतलब बनारस जाते हैं, बनारस रहते हैं, स्कूल जाते थे। किस क्लास में हो? टू में हो? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, कौन सी क्लास में हो? महिंद्रा में। हाँ, बहुत बढ़िया स्कूल महिंद्रा, वेरी गुड बेटा, यार पढ़ाई करो, हम लोग भी वहीं से पढ़े हैं, ज्यादा दूर से नहीं पढ़े हैं, यहीं से पढ़े हैं। ठीक है, लगभग लगभग कोई स्कूल नहीं जाने वाला।